కేంద్రం గైడ్ లైన్స్ కు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ చూద్దాం. कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने राज्य और 24 घंटे ओवरऑल सिचुएशन को हम मॉनिटर कर रहे हैं और रिक्वायर्ड एक्शन इन टर्म्स ऑफ इसेंशियल सप्लाईज और इसेंशियल सर्विसेज उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 19 मैनेजमेंट के लिए एक डेडिकेटेड फंड बनाया है, उसका नाम रखा है केयर्स, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस फॉर एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन. इसके द्वारा जो हमारे फिलान्थ्रोफिक लोग हैं, देश के नागरिक हैं, वो अपनी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए एडिशनल रिसोर्सेज इस एफर्ट के लिए हमें दे सकें, ये एक फंड भी स्टार्ट किया गया है. इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयुष जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसके प्रैक्टिशनर से भी बातचीत की. उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आयुष का देश के स्वस्थ रखने में एक लंबी परंपरा रही है और कोविड-19 के स्प्रेड में उनका भी उस हर तरीके से उपयोग किया जाएगा, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों से कि जनता तक जागरूकता बनाने के लिए टेलीमेडिसिन का भी उपयोग किया जाए. माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि आयुष का जो नेटवर्क है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, ये स्प्रेड आउट है और इसको WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हर तरीके से अपना सपोर्ट प्रोवाइड करना है. उन्होंने साथ ही आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा किए गए एक एफर्ट योगा एट होम, उसके लिए भी उनकी सराहना की है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी साथ में कहा है कि कोविड के इलाज के लिए कई जो दावे आते हैं उसके लिए आयुष मंत्रालय एविडेंस बेस्ड ICMR से, CSIR से और आयुष के जो साइंटिस्ट हैं उनसे मिलते हुए एविडेंस बेस्ड रिसर्च के साथ पब्लिक को जागरूकता लेके आए. इसके साथ ही हमारे इस ऑनगोइंग एफर्ट्स में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार 10 एम्पावर्ड ग्रुप आज बनाए गए हैं. उन एम्पावर्ड ग्रुप के द्वारा जो अब तक कार्य हम हर लेवल पर करते आ रहे हैं उसके साथ ही देश के जो अन्य सचिव हैं, अन्य सेक्रेटरी रैंक के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको भी इस कार्य में पहले भी वो इन्वॉल्व थे बट एक फोकस्ड वे में कैसे वो हम सबको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, कैसे हम आइडेंटिफाइड चैलेंजेस पर काम कर सकें, ऐसे 10 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए हैं. जब मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा उसके फोकस एरियाज हैं कि कैसे हम मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट पर एडिशनल फोकस लाएं. इसके साथ ही हम आइसोलेशन बेड्स, हॉस्पिटल और क्वारंटाइन फैसिलिटीज को कैसे फर्दर अपग्रेड करें, हम कैसे इसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज, वेंटिलेटर्स, PPEs को कैसे बढ़ा सकें, साथ ही हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमारा हेल्थ स्टाफ है उसको कैसे अपग्रेड करें कि ताकि हम कोविड के चैलेंज से निकल सकें, और साथ ही अगर कोई पब्लिक ग्रीवेंसेज और सजेशंस हो उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए कैसे हमारा जो एक्शन है फील्ड लेवल पर उसको हम फर्दर अपग्रेड कर सकें. इसके साथ ही जैसे कि आप सबकी नॉलेज में भी है कि भारतीय रेल पूरे देश में इस समय आवश्यक वस्तुओं की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए यथक प्रयास कर रही है. अब तक 65% जो वैगन गई हैं वो इसेंशियल सप्लाई से रिलेटेड गई हैं. पिछले 5 दिनों में लगभग 1.25 लाख वैगन जो इसेंशियल कॉमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुगर, सॉल्ट, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. मैं आप सबसे आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ड्स को इको करते हुए फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का ये फैसला अभी हमें कठोर लग सकता है लेकिन वह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. धन्यवाद. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता. जैसा कि मेरे कलीग ने बताया, केंद्र सरकार निरंतर लॉकडाउन के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू कर रही है. कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरीज और DGPs के साथ स्थिति का जायजा लेने के लिए कल शाम और आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस पर डिटेल्ड मीटिंग्स की. बाय एंड लार्ज लॉकडाउन गाइडलाइंस का सभी स्टेट्स और UTs में इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. एसेंशियल सप्लाईज भी मेंटेन हो रही हैं. स्थिति को 24/7 मॉनिटर किया जा रहा है. जहां पर समस्याएं आ रही हैं वहां पर हमारे सारे कंट्रोल रूम के ऑफिसर्स मिलकर उपयुक्त कदम उठा रहे हैं. परंतु जैसा आप सबको पता है, देश के कुछ भागों में माइग्रेंट वर्कर्स का मूवमेंट देखा गया है और इस कॉन्टेक्स्ट में स्टेट्स और UTs को स्ट्रिक्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बॉर्डर्स को इफेक्टिवली सील करें, शहरों के बीच में और हाईवेज पर लोगों का मूवमेंट ना हो, सिर्फ गुड्स का मूवमेंट हो.
इसको मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकाल लिए हैं। होम सेक्रेटरी जो चेयरमैन है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उन्होंने उन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए निर्देश दिया है सारे स्टेट्स और यूटीज को कि वे कुछ एक्शन है जिनको मैं अभी डिस्क्राइब करूंगी, उसके लिए जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर्स हैं और जो सीनियर सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस हैं और एसपीज हैं, उनको इस एक्शन को लेने के लिए बाध्य करें। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड लेबर है उसके लिए फूड और शेल्टर का प्रावधान हो। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड के अंतर्गत स्टेट्स और यूटीज को इसके लिए सफिशियंट फंड मिला हुआ है। जो लेबर चल चुकी है उसको उसके गंतव्य स्थान पर स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मिनिमम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। जितने एम्प्लॉयर्स हैं उनको निर्देश दिया जाए और ये लागू किया जाए कि क्लोज डाउन पीरियड के लिए वर्कर्स को उनके वर्क प्लेसेस पर ड्यू डेट पर बिना डिडक्शन के पूरी वेजेस दें। जो वर्कर्स रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं उनके लैंडलॉर्ड ना उनसे एक महीने का रेंट मांगेंगे और ना उनसे खाली कराएंगे। डीएम्स और एसपीज को ये आदेश इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और हमारी आशा है कि इन सब मेजर्स के साथ हम ये लॉकडाउन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे जिससे कि कोविड के स्प्रेड को रोक सके। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईसीएमआर, आज तक हम लोगों ने तकरीबन 35,000 यानी 34,931 टेस्ट किए हैं। आज भी अगर कल की फिगर देखें तो हम लोगों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो आईसीएमआर नेटवर्क में है वो 30% ही है। अभी इस वक्त हमने थोड़े से लैब और बढ़ाए हैं, 113 लैब को लैब फंक्शनिंग हो चुके हैं और 47 प्राइवेट लैब्स को हमने अप्रूवल दिया है। बिच फिगर ऑलमोस्ट 35,000 टेस्ट, 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, 113 आईसीएमआर नेटवर्क के लैब्स जो हैं वो फंक्शनल है और 47 प्राइवेट लैब्स उनको अप्रूवल दिया गया है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेता हूँ। कैन द हेल्थ मिनिस्ट्री प्लीज क्लैरिफाई under what circumstances will rupees 50 lakh insurance coverage benefit will be for health care workers, accidental coverage, and who are the beneficiaries for, who are the entitled person for this 50 lakh insurance? देखिए, जैसे कि ये स्कीम अनाउंस की गई है, इस स्कीम के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर डिटेल्स इसकी वर्कआउट की जा रही हैं। इसके ब्रॉडर कॉन्टूर्स इस तरह से हैं कि अगर कोई भी एक्सीडेंटल लॉस ऑफ लाइफ होती है आइदर फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें या केयर में रहें कोविड 19 पेशेंट के, या उससे रिस्क है उनका इम्पैक्ट होने का, तो उसके लिए स्कीम लागू होगी। इसके साथ ही इससे पहले भी एक प्रश्न आया था कुछ फोरम्स में कि ये जैसे हमने बताया था कि ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और उनके स्टाफ के लिए लागू होने के साथ साथ इसका जो एक और हम जो डिसीजन हुआ है कि साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल का स्टाफ या कोई रिटायर्ड या कोई वॉलंटियर या कोई लोकल अर्बन बॉडी का कोई एम्प्लॉई जो हेल्थ केयर सेक्टर की फंक्शनिंग के लिए रिक्विजिशन किया जाएगा, इस स्कीम का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा। लेकिन इसके ब्रॉडर कॉन्टूर्स इन टर्म्स ऑफ माइक्रो डिटेल्स अभी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्कआउट करके जल्द ही लागू किए जाएंगे। 156। हाय सर, मैं अशोक हूं एएनआई से। जितने पॉजिटिव केसेस हैं हमारे पास उसमें से कोई डेटा हमारे पास है कि कितने लोग वेंटिलेटर पे हैं इस वक्त और उनकी स्थिति क्या है? देखिए, ये सारा डेटा स्टेट लेवल पर हम उनके साथ मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ केसेस जो हैं जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया है कि या तो हाई रिस्क केसेस, और हाई रिस्क केसेस के दो पैरामीटर्स हैं कि एक तो एज एज ए क्राइटेरिया, दूसरा कोमॉर्बिडिटी एज ए क्राइटेरिया और तीसरा समटाइम्स कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एज ए क्राइटेरिया। उनमें कुछ केसेस जो हैं जो सीरियस पाए जाते हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं। मैं आपसे स्पेसिफिकली ये फिगर नहीं शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि इस टाइम मेरे पास इमीडिएटली अवेलेबल नहीं, हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं।
17. 17 for the migrant workers, I mean any of you, are we putting in place a provision where we can test them also, because since they are already on the move and we don't know, maybe some of them might be infected. So apart from food and shelter, will there be a possibility of screening them also for disease possibility? And one question for Mr. Ganga Ketkar, it's about that hydroxy HCQ treatment protocol, which is meant for a select people, you said, I mean nursing staff and as well as those who are caregivers of lab positive cases. So is it part of some trial? Are we doing a trial? Can we call it a trial? Or is it, because you are monitoring these people, it's a small section, you said. Migrations ke liye maine ek question online air kar deta hu saath mein. Jo mazdoor wapas apne ghar ja rahe hain, un rajya sarkaron ko inke liye kya koi vishesh guidelines jari ki gayi hain ya fir wo seedhe apne ghar ja sakte hain? देखिए, हेल्थ के इशू में मैं आपको बता सकता हूँ. हेल्थ के लिए जैसे कि हमारी गाइडलाइंस थी, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हमारे देश में आते थे, तो एयरपोर्ट पर गाइडलाइन थी कि आने के बाद उनका रिस्क प्रोफाइलिंग किया जाएगा. हेल्थ रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर अगर ज़रूरत होगी तो उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन किया जाएगा गवर्नमेंट फैसिलिटी में, और अगर हमें लगता है कि हेल्थ रिस्क प्रोफाइल में वो हाई रिस्क में नहीं आते हैं तो उनको सूटेबल एडवाइस दी जाएगी कि वो होम क्वारंटाइन करें आने वाले 14 दिन के लिए. इस तरह की डायरेक्शन ऑलरेडी स्टेट्स को दी जा चुकी है. 62. हेलो, एक जानकारी चाहिए थी कि जो आपने कहा कि पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की डेथ हुई है कोरोना की वजह से, इनका एज ग्रुप क्या रहा है, एज क्या रही है और इनको क्या दिक्कतें रही हैं? क्या कोरोना पॉजिटिव ही एक वजह रही है या और भी कुछ दिक्कतें रही हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको इससे पहले कई बार बताया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जहां हमारी डेथ रिपोर्ट हो रही है, ऑल दीज केसेस इसमें कोमॉर्बिडिटी हैज प्लेड ए वेरी मेजर रोल, और उसमें भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक हिस्ट्री और कुछ केसेस में इवन किडनी रिलेटेड इश्यूज के कारण हमने डेथ रिपोर्टिंग पाई है. और इसी तरह से मैं आपको, ये डिटेल मेरे पास है, मैं आपको बाद में आराम से दे सकता हूँ. नंबर 9. My question is to Mr. Agarwal. Mr. Agarwal, yesterday news agency did a story quoting document of Invest India. Yes. March 27 internal document of Invest India saying the availability of masks in India at the moment is 9.1 million against requirement of 38 million and the availability of PPEs is 0.8 million against the requirement of 6.2 million. Do you deny these figures or you have no knowledge of them? Madam, there are two things. One is you are talking about figures quoted by some organization called Invest India, which is again a government organization. They would have done their analysis, but they would not have taken into account all the PPEs available either at state level or even in the central government buffer stock. So those figures may not be 100% completed. Second issue is with respect to the requirement. Now, as I keep mentioning all the time, that this requirement is function of our graded response. So the requirement which we internally had always thought of 1 month earlier might not be the requirement today. And Government of India's effective understanding has been that anticipate and plan in advance. So based on that only, we have already been bringing to notice at all point of time that we have actually been upgrading our response, and we are now accordingly planning that we keep on increasing both number of isolated beds available, and for these isolation beds as well as the ICU beds, sufficient infrastructure and logistics to be made available. 107. One more question. Yeah, please, sir. Just one more. Just you can take time second time, but let others ask the question, please. सर, मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि पीपीई की कंडीशन क्या है. डॉक्टरों की शिकायत है कि उनके पास ये पीपीई कम है, उनकी जान को खतरा है, तो उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है. दूसरा ये है कि क्या ये एयरबॉर्न डिजीज है, इस तरह कोई साक्ष्य है? देखिए, पीपीईज के बारे में जैसे मैंने हमेशा आपको बताया है, पीपीईज जब शुरू में हमने इसको एनालाइज किया, इवन अर्ली जनवरी में हमने एनालाइज किया, तो पीपीईज जो थे इम्पोर्टेड क्लॉथ के बनते थे और इंडिया में उसकी अवेलेबिलिटी काफी कम थी. उसको ही ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर काफ़ी सीरीज ऑफ एफर्ट्स हुए हैं, और उन एफर्ट्स के तहत ही मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और उन्होंने सारे के सारे जितने भी हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स थे उनको इन्वॉल्व करते हुए सीरीज ऑफ मीटिंग्स की,
उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट से डिस्कस किया, WHO की गाइडलाइंस को समझा और इस वायरस के बिहेवियर और इस वायरस से रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन को डिटेल में लेते हुए हमने PPEs की गाइडलाइंस को सूटेबली अमेंड किया। और अमेंड करने के बाद हमने इसको दो पार्ट में अपने एफर्ट्स को किया, एक तो कि हम इंडिया में जो क्लॉथ अवेलेबल है उसको रिक्वायर्ड टेस्टिंग कराएं, टेस्टिंग कराकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करें। और जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, करीब 10 प्लस मैन्युफैक्चर इंडिया में इसके लिए आइडेंटिफाई करके मैच्योर हो चुके हैं, उनके क्लॉथ भी पास हो गया और उन्होंने प्रोडक्शन शुरू भी कर दिया है। इसके साथ ही एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स की टेस्टिंग वगैरह हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि हम और इसको ऑगमेंट कर सकें। साथ ही हमने इसके पैरेलल एफर्ट के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलते हुए विदेशों में जहां पर भी ये PPEs अवेलेबल है उनको भी हम इम्पोर्ट करने का कार्य शुरू कर रहे हैं। 51। मैं एक और एडिशनल पॉइंट आप सबकी दृष्टि में लाना चाहूंगा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज हमारे देश में एक लॉकडाउन की स्थिति है। उस लॉकडाउन की स्थिति में बिहेवियरल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक नया प्रोसेस है जिससे हमारे देश के नागरिकों को मिलकर अफर्ट करना पड़ रहा है। तो उस केस में अगर कोई भी ऐसा इशू, बिहेवियरल टेंशन, अंडरस्टैंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई डाउट, कोई डिप्रेशन टाइप के इश्यूज होते हैं, तो उसके सपोर्ट के लिए जैसे मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि हमारा जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बैंगलोर, वो बाकी सारे देश के और इंस्टीट्यूट से मिलते हुए इसको भी प्रमोट करने के लिए, इसके भी सूटेबल गाइडेंस के लिए प्रयत्न कर रहा है। और उसके तहत ही अब निमहांस ने एक टोल फ्री नंबर भी इंट्रोड्यूस किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके थ्रू अगर आप उस नंबर को पॉपुलराइज कर सकें, वह नंबर है 080, आई रिपीट, इट इज 080-4611-4611-0007। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है और आपके थ्रू सब लोगों से, जनता से रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग मिलकर इस बीमारी से हमें निकलना है, इस प्रॉब्लम से हमें निकलना है। और एक तरफ हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, दूसरी तरफ हम किसी भी टाइप का बिहेवियरल इश्यूज भी या कोई और जिसे कहते हैं कि एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी अगर हमारी दृष्टि में कोई आए तो सरकार